महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भगवान सिंह बचपन से ही अनाथ था। महाराज जी ने उसे वृंदावन आश्रम में हनुमान मंदिर का पुजारी बना दिया था। अंत में उसे श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ का पुजारी बनाया, जहां वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। बाबा के महाप्रायण के बाद वह इतना दुखी हुआ कि उसने गोमती में छलांग लगाकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। बाबा जी उसके लिए सब कुछ थे, उनके बिना उसका जीवन निर्थक हो गया। अब क्या करेगा जीकर, बाबा जी उसके अंतर्मन की व्यथा को समझ रहे थे और उसके जीवन त्यागने के निश्चय से भी अवगत थे। एक दिन प्रातःकाल भगवान सिंह जब हनुमान जी की पूजा से निवृत्त हुआ तो लंबे वदन और गेरुआ रंग वस्त्र वाला एक साधु मंदिर में प्रविष्ट हुआ। उस साधु ने भगवान सिंह को दी हुई बाबा जी की कंठमाला की ओर संकेत करते हुए पूछा, यह माला तुम्हें कहाँ से मिली है? बाबा, नीब करोरी ने दी है। इसमें क्या है? बाबा के अस्थि कलश की ओर इशारा करते हुए साधु ने पूछा, इसमें बाबा की अस्थियां हैं? झूठ, बिल्कुल झूठ, उस साधु ने कहा। हम बाबा नीब करोरी को अच्छी तरह जानते हैं। हम सीधे अमरकंटक से आ रहे हैं। हमें बाबा टाट लपेटे दिखाई दिए। हमने बाबा से पूछा कि बाबा जी कमल कहाँ छोड़ आए हैं, तो बाबा बोले हम उसे कैंची धाम में छोड़ आए हैं। अब हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। भगवान सिंह महाराज जी को अलौकिक शक्ति संपन्न तो मानता था, लेकिन अस्थि कलश आने के बाद भी यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि वे जीवित हो सकते हैं। हम नहाना चाहते हैं, हमारे लिए साबुन और पानी रख दो, साधु ने वैसे ही कहा जैसे महाराज जी कहा करते थे। भगवान सिंह बाजार से साबुन की टिकिया ले आया, नहाने के लिए पानी रख दिया। फिर जब उसने साधु से नहाने के लिए प्रार्थना की तो साधु बोले, तुम हमें नहला दो। भगवान सिंह ने साधु के ऊपर पानी डाला और जैसे ही साबुन लगाने के लिए तैयार हुआ, साधु बोले, साधु साबुन नहीं लगाते। भगवान सिंह को महाराज जी की याद आ गई, वह भी ऐसे ही उल्टी सीधी बातें किया करते थे। उसने कहा, आपके कहने से ही मैं साबुन खरीद लाया हूँ, अब मैं ज़रूर लगाऊँगा। जब भगवान सिंह उन्हें नहला रहा था तो उसने देखा कि यह साधु भी नहाते समय ऐसी ही हरकतें कर रहा है जैसे महाराज जी किया करते थे। महाराज जी की इस लीला से वह भ्रमित भी हो गया। नहलाने के बाद भोजन कराया और विदा करते समय पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं? आपके दर्शन कब हो सकते हैं? हम पास में अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में पड़े रहते हैं, वहाँ का पुजारी हमारी बड़ी सेवा करता है, तुम कभी भी फुर्सत में आकर मिल सकते हो, साधु ने उत्तर दिया। उसी दिन दोपहर के बाद मंदिर बंद कर भगवान सिंह अमीनाबाद स्थित हनुमान मंदिर गए। वह साधु मंदिर में कहीं भी नहीं दिखाई दिया। भगवान सिंह ने मंदिर के पुजारी को साधु की हुलिया बताई और उनके बारे में पूछा। पुजारी ने बताया कि इस तरह का कोई साधु यहाँ नहीं रहता। जब भगवान सिंह ने कहा कि साधु ने कहा था कि आप उसकी बड़ी सेवा करते हैं, तो पुजारी ने यह सब झूठ बताया। भगवान सिंह समझ गया कि वह साधु कोई और नहीं बाबा नीब करोरी हैं। उनका अवतरण उसके आत्महत्या के संकल्प को ख़त्म करने के लिए हुआ था। कैंची आश्रम में बातों बातों के ही बीच महाराज जी ने एक भक्त से कहा था कि हम तेरे लिए पशुपतिनाथ से एक रुद्राक्ष की माला, नर्मदा से शिवलिंग और दक्षिणावर्त शंख लाएंगे। यह बात न तो बाबा को याद रही
ना भक्त ने उन्हें याद दिलाई। वह बाबा जी के आश्वासन से धन हो गया था। इसी बीच बाबा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। एक दिन अचानक एक युवा साधु से वस्तुएं लाकर भक्त को दे गया, यह कहते हुए कि ये वस्तुएं आपके लिए भिजवाई गई हैं। बाबा के सिवा कौन हो सकता था इन चीज़ों को याद रखने वाला या लाने वाला? वह युवा साधु कोई और नहीं, स्वयं बाबा ही तो थे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो जय श्री राम।